दोस्तों, ये है साबरकांठा जिला, जो कि भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात राज्य के उत्तरी भाग में एक जिला है। इस जिले का मुख्यालय हिम्मतनगर शहर है, जो कि अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। ये जिला राजस्थान राज्य का सीमावर्ती जिला है, जो अपने प्राचीन मंदिरों, खूबसूरत वाटरफॉल्स और हरे भरे जंगलों के लिए जाना जाता है। साबरकांठा जिले का उत्तर पूर्वी भाग अरावली पहाड़ियों की पंक्तियों से ढका हुआ है। साबरकांठा जिले के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव पुनसरी को गुजरात का सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है। तो आइए जानते हैं साबरकांठा जिला के कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। पूर्व में राजस्थान राज्य, पश्चिम में बनासकांठा जिला और मेहसाणा जिला, उत्तर में राजस्थान राज्य और दक्षिण में अरावली और गांधीनगर जिला से घिरा हुआ साबरकांठा जिला कुल 5,390 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो साबरकांठा जिले के अंतर्गत 8 तालुका हिम्मतनगर, प्रांतीज, तालोद, इधर वडाली, खेड़ ब्रह्मा, विजयनगर, पोशीना, 714 ग्राम पंचायत और 1,389 गांव आते हैं। साबरकांठा जिला एक भील बहुल क्षेत्र है। इस जगह का इतिहास भील राजाओं से जुड़ा रहा है। भील राजाओं ने ये जगह अपनी राजधानी के रूप में विकसित की और लंबे समय तक इस क्षेत्र पर भील राजाओं का शासन रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार साबरकांठा जिला की आबादी 24,28,589 है, जो कि कुवैत के जनसंख्या के लगभग बराबर है और इस वजह से भारत में इस जिला का 183वां रैंक है। 1000 पुरुषों पर 952 महिलाओं का लिंगानुपात इस जिले में है। सड़कों पर दौड़ रही अधिकतर गाड़ियों में अगर आप GJ9 लिखा हुआ देखें तो समझ जाएं कि आप गुजरात के साबरकांठा जिला में मौजूद है। साबरकांठा जिले तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां एक और सड़क मार्ग में नेशनल हाईवे 48 साबरकांठा से होकर गुजरती है। साबरकांठा बस स्टैंड से आसपास के शहरों के लिए सीधी बस सेवाएं मौजूद हैं, तो वहीं रेल मार्ग में हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के कई बड़े शहरों से रेल मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। बात अगर हवाई मार्ग की करें तो साबरकांठा जिले का निकटतम प्रमुख एयरपोर्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट। साबरकांठा जिले की अर्थव्यवस्था कृषि और डेयरी फार्मिंग पर निर्भर है। यह जिला गुजरात में अनाज, बेर और अनार का प्रमुख उत्पादक है। साबरकांठा जिले में साबर डेयरी विभिन्न प्रकार के दूध उत्पादनों का निर्माण और वितरण करती है। बड़ी मात्रा में मिट्टी, सिलिका रेत और बॉक्साइड के उत्पादन से टाइल्स, कांच, बढ़िया ईंट और क्रॉकरी के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। साबरकांठा में ऑपरेट होने वाली कुछ कंपनियों में साबर डेयरी, पथिक एग्रोटेक गुजरात, अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ओरेकल ग्रेनाइट लिमिटेड इत्यादि शामिल है। ये जिला गुजरात राज्य में उत्पादित कुल आलू का 10% से अधिक योगदान देता है। साबरकांठा में 8,000 से अधिक लघु उद्योग हैं, जिनमें लगभग 34,200 लोग कार्यरत है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर लोकेटेड साबरकांठा की मुख्य नदी साबरमती है। साबरकांठा के हिम्मतनगर तहसील से हाथमती नदी बहती है। इसके अलावा यहाँ पर मेशवो, वात्रक, मजूम, हरनव आदि प्रमुख नदियां मौजूद है। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर लोकेटेड साबरकांठा जिला में घूमने लायक कई सारे शानदार जगह हैं, जैसे कि स्वामी नारायण मंदिर, महाकाली मंदिर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क, कंटालेश्वर हनुमान जी मंदिर, चोटिला महादेव मंदिर, गुहाई रिजर्वेयर, धरोई डैम, आशापुरा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, हरनाव डैम, सरणेश्वर शिव मंदिर, पोलो फॉरेस्ट, सुनसार वाटरफॉल्स, सप्तेश्वर महादेव मंदिर इत्यादि। प्रसिद्ध एक्टर और कॉमेडियन मनोज जोशी का जन्म साबरकांठा के हिम्मतनगर में ही हुआ था। साबरकांठा जिले के अधिकतर लोग
यानी कि लगभग 93% लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, बाकी के लोग अन्य धर्म को मानते हैं। दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एक रिपोर्ट के अनुसार साबरकांठा जिले का क्राइम रेट 115.41 है। साक्षरता की ओर ध्यान दे तो साबरकांठा जिले का साक्षरता दर 75.79% है, और जिसके कारण ये जिला साक्षरता के मामले में औसत से थोड़ा सा अधिक है। इस जिला के लगभग 86.44% पुरुष जबकि 64.69% महिलाएं साक्षर हैं। साबरकांठा जिला में पढ़ाई लिखाई हेतु तो कई सारे अच्छे शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हिम्मतनगर, कामधेनु यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज, स्कूल ऑफ नर्सिंग, सर प्रताप जनरल हॉस्पिटल, श्री एसएस मेहता आर्ट्स एंड एमएम पटेल कॉमर्स कॉलेज, विजयनगर आर्ट्स कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इधर, केंद्रीय विद्यालय हिम्मतनगर, आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बेड़ा इत्यादि। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको गुजरात के साबरकांठा जिले के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। आशा है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।